हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल वी। क्या आपको फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना है या पता करना है कि आपके आईडी में कौन सा पासवर्ड है, इस वीडियो को आपको फुल वॉच कर लेना। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको फेसबुक का जो पासवर्ड है वो आपको चेंज करना है, या आपको पासवर्ड आपकी आईडी का कौन सा पासवर्ड, या आप न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हैं अगर बिना आपका ओल्ड पासवर्ड होते हुए भी, तो इस वीडियो को आपको फुल वॉच कर लेना। मैं बताऊँगा कि पासवर्ड कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। मैं बताऊँगा कि फेसबुक का पासवर्ड चेंज है, पासवर्ड कैसे पता करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिंपल से आपको क्या करना है, आपको थ्रीलाइंस पर क्लिक कर देना। जैसे देख सकते हैं हमने थ्रीलाइंस पर क्लिक किया तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे देख सकते हैं जैसे आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपको अकाउंट सेंटर लिखा हुआ, तो अकाउंट सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको फिर आपको थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है, ऐसा पेज ओपन होना नीचे और नीचे आने का आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं मैंने आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर आपको सिंपल आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना। चेंज पासवर्ड जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको फेसबुक वाली आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं जैसे ही आपने फेसबुक वाली आईडी सिलेक्ट की तो आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको पासवर्ड यहाँ से चेंज करना है तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आपको चेंज पासवर्ड पर आपका जो ओल्ड पासवर्ड है वो डाल देना है, फिर आपको न्यू पासवर्ड डाल देना है, वो आपका पासवर्ड जो है वो 100% वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, आपको न्यू पासवर्ड बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड लिखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको फॉरगेट पासवर्ड लिखा हो तो आपको उस पर क्लिक कर देना। देख सकते हैं जैसे आपने क्लिक किया तो आपको लिखा होगा चॉइस ऑफ वे टू लॉग इन। तो आप क्या मतलब कौन सा किस पे कोड पहुँचा जाएंगे, तो आप क्या करना है, आपको व्हाट्सअप वाले ऑप्शन पर देख सकते हैं आपको टिक लगा देना, व्हाट्सएप पे आप कोड आएगा तो आपको क्या करना है, फिर आपको कंटिन्यू कर देना। देख सकते हैं जैसे आपने कंटिन्यू किया तो आपको ये जो कैप्चर होता है ये आपको फिल कर देना होता है। आपको अगर बड़ा है तो स्मॉल है तो स्मॉल करना होता है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल करना होता है। तो आपको बहुत ध्यान से ये कैप्चर जो है यहाँ पर फिल करना होता है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर बड़ी ये देख सकते मैंने कर दिया F8F8AEMU, तो आपके सामने देख सकते हैं मैंने फिल कर दिया। फिर आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन भी मिल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर सबमिट कर देना। जैसे ही देख सकते हैं आपने सबमिट किया तो आप कुछ ऐसा लिखाएगा वी सेंड अ कोड टू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर एक कोड आएगा, आपको एक कोड आएगा, तो आपको क्या करना है, वो कोड यहाँ पर आपको 6 जगह एक कोड आएगा, वो वहाँ पर करने में व्हाट्सएप पर एक कोड आएगा, क्योंकि मैं फेसबुक से ऐड हूँ तो मेरे व्हाट्सएप में आता है। आपको केवल ऊपर ही आगे देख सकते हैं मैं व्हाट्सएप में ऐड हूँ, मुझे आप ये मैसेज आया देख सकते हैं आपके सामने, तो मैं व्हाट्सएप में ऐड हूँ तो मुझे व्हाट्सएप में आया मैसेज देख सकते हैं। मैंने कोड कॉपी की, कोड कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर आपका कोड भी आ जाएगा, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। देख सकते हैं आपके सामने मैंने कोड डाल दिया है, आपको क्या करना है, कोड डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही देख सकते हैं आपने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आप करेक्ट आ न्यू पासवर्ड, आपको क्या करना है, आपको जो पासवर्ड है आपको वो न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ना कोई ओल्ड पासवर्ड डालना होता है ना आपको सीधा क्या करना होगा, आपको सीधा न्यू पासवर्ड बनाना होता है ना आपको ओल्ड पासवर्ड लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना जो आप न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं जैसे मैंने अपना न्यू पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद आपको यार टेक भी दिख रहा होगा, तो उस पर आपको लॉग मी आउट, तो आपको लॉग आउट नहीं करना है, आपको क्या करना है नेक्स्ट कर देना, आप पर वहाँ को टिकट लगाना है को नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको नेक्स्ट करने को कर रहा हूँ सीधे, आपको क्या करना है, आपको सीधे नेक्स्ट कर देना। तो देख सकते हैं जैसे ही आपने नेक्स्ट किया तो आपके सामने देख सकते हैं मेरा जो पासवर्ड है वो 100% मेरा जो पासवर्ड मैंने अभी नया बनाया है वही मेरे पासवर्ड रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करूँगा, ऐसे मैं आपके लिए ऐसे ही कमाल की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।